नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्व मित्र और द मसला में। आज का मसला यह है कि हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं, यानी गठबंधन सरकार ने पहले 100 दिन पूरे कर लिए हैं। और पहले 100 दिन में सरकार ने क्या किया है, कैसे किया है, क्या हुआ है और उस पर क्या रिएक्शन है, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। चार पांच मोटी मोटी बातें हैं जो आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले इस पूरी कहानी का सार आपको बताते हैं। अब मान लीजिए कि यह गठबंधन का एक जहाज है, यानी गठबंधन सरकार एक जहाज है, और यह जो जहाज है ये रनवे पर आ गया है, और इस जहाज के पायलट हैं सीएम मनोहर लाल खट्टर और को पायलट हैं दुष्यंत चौटाला जो कि डिप्टी सीएम है। अब क्या है कि इस जहाज में पायलट और को पायलट को छोड़कर बाकी 88 यात्री मौजूद हैं। अब क्या है कि पायलट और को पायलट पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस जहाज को टेक ऑफ किया जाए, फ्लाई किया जाए, यानी कि यह जहाज रनवे पर दौड़ना शुरू कर दिया इस जहाज ने। लेकिन क्या है कि यह जहाज टेक ऑफ नहीं हो रहा है, फ्लाई नहीं हो रहा है। पायलट चाहते हैं, को पायलट चाहते हैं, लेकिन उनका ध्यान फिर पीछे चला जाता है, यानी कि जो यात्री बैठे हैं उनमें शोर शराबा अभी चल रहा है। अब क्या है कि जो यात्री हैं उसमें आप तमाम एमएलए लगा लीजिएगा, अब उनमें क्या है कि कई लोगों को आगे आगे सीटें मिल गई हैं, जो अच्छी सीटें होती हैं, वीआईपी सीटें हैं, उनको मिल गई हैं, यानी कि मंत्री बना दिया गया है उनको। और कई लोग देख रहे थे कि हमें भी आगे सीट मिलेगी, लेकिन उनको वो सीट नहीं मिली है, तो उसके बाद उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है। अब सीट को लेकर एक तो विवाद हो गया कि किसी को आगे मिल गई, किसी को कहीं पीछे मिल गई, इस बात को लेकर। दूसरा क्या है कि खाने को लेकर भी विवाद हो गया है। अब क्या होता है कि खाने में नॉनवेज होता है, उस पर पहली निगाह जाती है कि नॉनवेज में क्या है। नॉनवेज बड़ा फूड माना जाता है, और नॉनवेज में बटर चिकन को नॉनवेज का आंख कान नाक कहा जा सकता है। अब उसको लेकर भी विवाद हो गया कि जहाज अभी रनवे पे दौड़ना शुरू ही किया था कि उसको लेकर विवाद हो गया। और अब उस विवाद में वो जो बटर चिकन का वो वाला हिस्सा था वो पायलट ने अपने पास मंगवा लिया है। तो अब कई सारी बातें हैं जिनको लेकर यात्रियों में यह शोर शराबा चल रहा है। अब क्या है कि इस जहाज में विपक्ष के लोग भी मौजूद हैं। अब विपक्ष के लोगों ने शुरू से ही हावी होने की कोशिश की, काफी बातों को लेकर घेरने की कोशिश की। अब विपक्ष में जो एक यात्री थे जो कि पिछली बार यानी मनोहर सरकार पार्ट वन में मुख्य विपक्षी नेता थे, अब उनको क्या है कि पीछे वाली सीट दे दी है, बिल्कुल पीछे वाली सीट दे दी है कि आपकी सीट वो है। अब वो यात्री जहाज से उतर गए हैं कि अब पीछे वाली सीट दे दी गई है, वो बैठे नहीं है उस सीट पर जाकर। वहीं सरकार को सपोर्ट कर रहे एक निर्दलीय यात्री, अब क्या थी कि जब शुरू में रिजल्ट आया तो उस निर्दलीय यात्री को जहाज में बैठाकर ही सिरसा से दिल्ली ले जाया गया था, और ऐसा लग रहा था कि उस निर्दलीय यात्रियों को बड़ी सीट मिलेगी, आगे वाली सीट मिलेगी, लेकिन मामला गड़बड़ हो गया। अब वो यात्री भी शुरू जहाज में बैठा था लेकिन उसके बाद वो उतर गया है। तो कुल मिलाकर अभी जहाज जो है उसने ट्रैक पर दौड़ना तो शुरू कर दिया है रनवे पर, लेकिन अभी टेक ऑफ नहीं हुआ है, फ्लाई नहीं हुआ है। तो ये पूरी कहानी का सार है। अब हम आपको बताते हैं दोस्तों कि जैसे ही हरियाणा में नतीजे आए तो आपको पता है किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। अब क्या है कि जेजेपी और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई हरियाणा में, और कहा गया कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत दोनों पार्टियां मिलकर हरियाणा में सरकार चलाएंगे। अब क्या है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के लिए एक समिति बनाई गई, समन्वय समिति, उसकी दो बैठकें हो चुकी हैं और कहा जा रहा है कि 33 बिंदुओं पर सहमति बन गई है।
अब ये 33 बिंदु वो हैं जो कि छोटे मोटे हैं, जिनमें ज्यादा खर्च नहीं आएगा, कोई वित्तीय अड़चन नहीं आएगी। अब कहा जा रहा है कि उन पर सहमति बन गई है और बाकियों पर अभी विचार हो रहा है, यानी कि उसके लिए अभी कई और मीटिंग्स होंगी, अभी और वक्त लग सकता है। अब इस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर भी विपक्ष कह रहा है कि अभी तक, यानी कि 3 महीने से ज्यादा वक्त हो गया, अभी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ही तय नहीं हो पाया है दोनों पार्टियों में। हालांकि सरकार कह रही है, जो गठबंधन की सरकार कह रही है कि हमने पहले 100 दिन में बहुत कुछ कर दिया है। गठबंधन की सरकार कह रही है कि पहले 100 दिन में हमने पेंशन, जो बुढ़ापा पेंशन है, विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, उसको 250 रुपया बढ़ा दिया है। हमने जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं जैसे HTET, वो आगे आने वाले समय में 50 किलोमीटर के दायरे में होगी। वहीं जो शराब के ठेके हैं गांवों में, अब ग्राम सभा जो है, अगर वो चाहेगी तो उस शराब में ठेका बंद हो सकता है या नहीं खुलेगा, हालांकि उसके लिए बहुत कम ऐसे आवेदन आए हैं। अब क्या है, जो 250 रुपए पेंशन की बात सरकार करती है, वो जब ये बढ़ाई गई तो उस समय मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि 160 रुपया तो महंगाई के हिसाब से बढ़ाई गई है और 90 रुपए सहयोगी पार्टी JJP के कहने पर बढ़ाई गई है, यानी टोटल 250 रुपया बढ़ाई गई है। अब उस पर विपक्ष का कहना है कि इससे पहले हर साल आप 200 रुपया बढ़ाते थे, तो अब अगर 250 रुपया बढ़ाई है तो मतलब सिर्फ 50 रुपए का इजाफा आपने किया है, लेकिन वादा आपने किया था 5100 रुपया करने का, वो वादा कहां है? और जनता भी पूछ रही है कि ये जो वादा किया गया था उस हिसाब से, यानी ये ऊंट के मुंह में जीरा देने वाली बात है। अब अगले पॉइंट पर आते हैं दोस्तों। पहले 100 दिन में ही एक घोटाला सामने आ गया है और सरकार खुद मानती है कि ये घोटाला हुआ है, यानी धान घोटाला। अब उसको लेकर हालांकि जांच करवाई जा रही है सरकार की ओर से, फिजिकल वेरिफिकेशन करवाई जा रही है, लेकिन विपक्ष कहता है और भारतीय किसान यूनियन कहती है कि यह घोटाला बहुत बड़ा है और इसकी जांच CBI से होनी चाहिए। अब जो किसान यूनियन है, उन्होंने RTI से डाटा इकट्ठा कर लिया। अब उनका कहना है कि प्रति एकड़ 25 से 30 क्विंटल धान होता है, लेकिन सरकार की ओर से 75 क्विंटल से ऊपर दिखाया गया है, तो इसका मतलब यह बड़ा घोटाला है, और अगर यह बड़ा घोटाला है तो इसमें कई लोग मिले हुए हैं, कई लोग शामिल हैं, इसलिए इसकी जांच CBI से होनी चाहिए। विपक्ष कहता है कि यह 1000 करोड़ रुपए का घोटाला है, इसलिए जांच CBI से होनी चाहिए, लेकिन सरकार कहती है कि हम जांच करवा रहे हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। तो मतलब कुल मिलाकर गठबंधन सरकार के पहले 100 दिन में ही घोटाला सामने आया है, जिसे सरकार भी मान रही है। अब क्या है कि पहले 100 दिन में ही कई मंत्रियों के विभागों में फेरबदल किया गया है। आपको पता है, जैसे ही मंत्रिमंडल बना और मंत्रिमंडल बनने के बाद जब विभागों का बंटवारा हुआ, तो कई सालों के बाद मुख्यमंत्री के अलावा किसी मंत्री के पास गृह विभाग चला गया, अनिल विज साहब के पास। अब उसके बाद से ही तनातनी नजर आने लगी। अब विज साहब ने IPS के तबादलों को लेकर या CID को लेकर बातें करनी शुरू कर दी। अब मामला बढ़ गया तो मामला BJP हाईकमान तक भी 2 बार पहुंच गया, और आखिर में क्या हुआ कि जिसको एक बड़ा पार्ट माना जाता है, एक मुख्य पार्ट माना जाता है CID को, गृह विभाग का, अब उस विभाग को मुख्यमंत्री ने वापस ले लिया है विज साहब से, यानी कि CID
अब मुख्यमंत्री के पास चला गया है। अब विज साहब क्या कहते थे, विज साहब कहते थे कि बिना सीआईडी के गृह विभाग ऐसा है जैसे बिना आंख का नाक के इंसान होता है। तो अब देखना होगा कि विज साहब के पास जो विभाग बच गया है वो बिना आंख का नाक के विभाग है। अब ऐसे में विज साहब उस विभाग का क्या करेंगे। इसके अलावा दो तीन और विभाग इधर उधर बदले गए हैं। अब अगली बात वो ये है कि पहले 100 दिन में दोनों पार्टियों के बीच तालमेल जरूर दिखाई दिया है, समन्वय दिखाई दिया है। हां, हालांकि एक जगह दिखाई नहीं दिया था, जब राज्य मंत्री अनूप धानक जो कि जेजेपी के नेता हैं वो जींद में कष्ट निवारण समिति की बैठक ले रहे थे, तो उस वक्त बीजेपी के जो एमएलए हैं जींद से कृष्ण मिड्डा, वो नाराज होकर उस मीटिंग से चले गए। हालांकि बाद में मंत्री साहब उनको मनाकर वापस ले आए। इसके अलावा दोनों पार्टियों के बीच अंदरूनी मामला चल रहा है, अंदरूनी कलह जरूर चल रही है, अब जेजेपी के बीच में भी और थोड़ा बीजेपी के बीच में भी। जेजेपी के बीच में वो आप सब जानते हैं दोस्तों, रामकुमार गौतम, उनको उम्मीद थी कि मंत्री बनाया जाएगा, अब मंत्री नहीं बनाया गया तो उसके बाद रामकुमार गौतम खुलकर बोले अपनी पार्टी के खिलाफ यानी कि जेजेपी के खिलाफ, और पार्टी के नेता यानी कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के खिलाफ उन्होंने बहुत कुछ बोला। उसके बाद देवेंद्र बबली ने अपनी पार्टी के खिलाफ तो नहीं लेकिन जो सहयोगी पार्टी है यानी कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के बारे में बहुत कुछ बोला, उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए और साथ में पुलिस महकमे में भ्रष्टाचार को लेकर भी उन्होंने खुलकर बोला और इसकी शिकायत उन्होंने अनिल विज साहब से की। दूसरी तरफ बीजेपी में बीजेपी को सपोर्ट कर रहे महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने बीजेपी के नेता और पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर के खिलाफ झंडा बुलंद किया और एक बार नहीं कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मनीष ग्रोवर के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए कि पिछले 5 साल में जो सरकार थी उसमें वो मंत्री थे और उस वक्त जो भी काम करवाए गए रोहतक में उनमें बड़ा घपला हुआ है जिसकी सीबीआई से जांच करवाई जानी चाहिए। तो कुल मिलाकर दोनों पार्टियों में अंदरूनी थोड़ा बहुत जरूर चल रहा है लेकिन कुल मिलाकर अभी पहले 100 दिन में समन्वय जरूर दिखाई दे रहा है दोनों पार्टियों में। अब क्या है कि पिछले कुछ दिनों से सरकार दिल्ली से चल रही है और वो आप जानते हैं क्योंकि दिल्ली में चुनाव चल रहा है, चुनाव होने वाला है और वहां पर तकरीबन सभी पार्टियों के नेता हरियाणा के वहां पर डटे हुए हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी के बड़े नेता भी और इवन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी वहां चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं और दुष्यंत चौटाला ने भी कुछ जगह पर प्रचार किया है। तो दिल्ली से सरकार चल रही है। हालांकि यह कहा जा रहा है कि जो सरकार है गठबंधन की सरकार वो अपने पहले 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड देगी और इसके लिए उन्होंने रोहतक को चुना है, यानी कि जिसे हुड्डा का गढ़ माना जाता है रोहतक, उसको चुना है, यानी कि विपक्ष के नेता का जो शहर है उसको चुना है और वहां पर सरकार अपने पहले 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड देगी। यानी कि विपक्ष जो सवाल कर रहा है या जो जनता पूछ रही है उसका हिसाब किताब सरकार देगी। अब देखना होगा उसमें क्या कुछ सामने आता है, क्या कुछ बोला जाता है, क्या कुछ दावा किया जाता है। लेकिन हमने आपको बता दिया कि पहले 100 दिन में सरकार ने क्या किया है, कैसे किया है और क्या हिसाब किताब है, जनता क्या बोल रही है या विपक्ष क्या बोल रहा है, इस मसले पर आपकी क्या राय है दोस्तों। यानी गठबंधन सरकार के पहले 100 दिन के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप भी अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमें जरूर लिखकर भेजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये हर इंसान तक पहुंचे। द मसला के YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपने नहीं किया, हमारे Facebook पेज को भी
लाइक कर लें, ताकि प्रदेश से जुड़े जो बड़े मसले हैं, जनता से जुड़े जो बड़े मसले हैं, उन पर जो हमारा एनालिसिस होता है वो आप तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।